जब भी मैं ट्रिप से घर लौटती हूँ तो मैं एक अच्छा खासा स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन करती हूँ, बिकॉज जब मैं ट्रिप पे रहती हूँ तब मैं अपने स्किन और हेयर के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए घर आने के बाद सबसे पहले ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो अभी मैं अपना हेयर ऑयलिंग करी हूँ और कुछ टाइम तक इसके साथ रहूँगी ताकि जितनी भी धूल मिट्टी या पॉल्यूशन मेरे हेयर पर गया है, और वेदर की वजह से भी कभी कभार हेयर बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं तो इससे मुझे छुटकारा मिले। तो यहाँ पर मैं जो ऑयल यूज़ करी हूँ ये है कोपिवा का हेयर रिचुअल्स तुलसी एंटी हेयर फॉल ऑयल। एंड गाइस दिस ऑयल इज़ अमेजिंग। ये सिर्फ हेयर फॉल को स्टॉप नहीं करते, ये हेयर रिग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, और ये मेरे और मिथुन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे आप व्यू टैग में जाके क्लिक करके परचेस कर सकते हो। एंड कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करें ना तो एक दो दिन में प्लीज़ छोड़ मत देना, इसे रेगुलरली यूज़ करते रहना, एटलीस्ट 10 डेज तक तो ज़रूर करना, तो आपको इसका जो रिजल्ट है ये ज़रूर मिलेगा। जितना भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें पर काफ़ी टाइम तक, अगर आप बाहर रहते हो, अगर आप साइट सीन के लिए जाते हो तो उस टाइम में ना टैन आ ही जाता है, और बाहर जब आप घूमने जाते हो तो बार बार ऐसे सनस्क्रीन यूज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कितने सारे चीज़ें हम कैरी करें अपने साथ। तो घर लौटने के बाद मैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, और मुल्तानी मिट्टी साथ में टमाटर जूस और थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना मिक्स करके पूरे एक्सपोज्ड एरिया में या तो इफेक्टेड एरिया में अगर आप इसे यूज़ करें ना, एक ही यूज़ में आप देखेंगे कि जो सनटैन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, अगर बहुत पुराना सनटैन ना हो तो। फेस के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ D10 पैक यूज़ करना, तो वही मैंने कर लिया है। पर हाथ और पैर के लिए मैं ये मुल्तानी मिट्टी का जो स्पेशल पैक है होम रेमेडी, ये इसे मैं यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, और स्पेशली ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट मेरे लिए तो अमेजिंग रहा है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि जब मुल्तानी मिट्टी यूज़ ही किया है तो अभी तो कोई काम कर नहीं पाऊँगी, तो क्यों ना एक कप कॉफ़ी पिया जाए। तो एक कप कॉफ़ी पीते हुए थोड़ा सा वेट करेंगे तो जल्दी ये ड्राई भी हो जाएगा, और उसके बाद एकदम से जाके नहा के आएंगे। जब मैं ट्रिप पे गई थी तब भी यही बेडशीट था, और आने के बाद इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बेडशीट चेंज का एक रूटीन ही मेरे लिए कुछ अलग होता है। बिकॉज बेडरूम और बेड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आप जहाँ पे रिलैक्स करेंगे या अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें सोचेंगे। तो यही जगह पे जब आप सोएंगे तो कुछ आपके पीठ में चुभ रहा है, एक डर्टी स्मेल आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर होता रहे ना, ना ही आपका नींद पूरी होगी और ना ही आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, ना ही आपको रिलैक्स फील होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेडरूम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और बेडरूम का जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारा बेड। तो बेड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट हम बेडशीट चेंज कर सकते हैं, और जिनके घरों में पेट हो तो हफ्ते में 2 दिन तो बनता है। अभी मैं जो अपना ट्रॉली ट्रिप पे लेके गई थी तो उसे अनपैक करूँगी, क्योंकि वहाँ पे जाके जो जो कपड़े हम यूज़ किए थे तो वो सारे कपड़े मैं निकालूंगी, और कुछ कपड़े यहाँ पे है जो कि हमने यूज़ ही नहीं की, मतलब टच भी नहीं किया था, तो वो सारे मैं बाद में वार्डरोब पे उठा के रखूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है ट्रिप से आने के बाद, एक एक करके पकड़ पकड़ के आपको क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद आयरन करना, फिर अपने अपनी जगह पर रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और जबकि मैं लंच थोड़ा सा कम करती हूँ तो इवनिंग स्नैक्स में मैं कुछ ना कुछ अभी लेती हूँ। तो इवनिंग स्नैक्स के लिए आज का मेरा प्लानिंग था ओट्स एंड चिया पुडिंग, तो इसके लिए सुबह ही मैंने ओट्स और चिया सीड्स को मिल्क में सोक करके फ्रिज में रखी थी, तो अभी ये कितनी अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा हनी और कोई भी फ्रूट्स जैसे जो भी मेरे घर में अवेलेबल रहता है वही मैं डालती हूँ, पर आज बनाना और ब्लूबेरी डाल रही हूँ, और इसका जो टेस्ट है वो अमेजिंग टेस्ट आता है। इसे आप एज अ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, इवनिंग स्नैक्स भी ले सकते हो, बहुत जल्दी हो जाता है, कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे सारे चीज़ें एक साथ मिक्स कर दो, सेट कर दो और बस फ्रिज में रख दो। समर में एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक्स या तो ब्रेकफास्ट ही बन सकता है, तो इसे मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ, और रात में बस थोड़ा सा ही डिनर करती हूँ, दैट्स इट।
नेक्स्ट डे मैं क्या काम करूँगी, तो इसका एक लिस्ट मैं पहले दिन रात को ही बना के रखती हूँ, जैसे कि क्या क्या वीडियो बनाऊँगी या ब्रांड कोलेबोरेशन क्या बाकी है, क्या पाइपलाइन पे है, तो उस हिसाब से भी मैं कुछ टाइम फिक्स करके रखती हूँ। तो उसी टाइम में वही सारे वीडियो करती हूँ, तो क्या होता है कि मेरा टाइम भी बच जाता है और एकदम टाइम टू टाइम ब्रांड्स को अपना वीडियो भी मिल जाता है और मेरा जो कंटेंट है वो भी क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं एक डायरी और पेन यूज़ करना पसंद करती हूँ और एक्सेल शीट मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओल्ड स्कूल वाला जो स्टाइल है ना, ये ज़्यादा वर्क करता है। डिनर में मैं हमेशा लो कर्ब एंड हाई प्रोटीन लेती हूँ। पहले तो रोटी या राइस मैं कुछ ले लेती थी, पर लास्ट एक महीने से मैं लो कर्ब लेने की कोशिश करती हूँ। रादर मैं वीक में 3 दिन बिना कर्ब के रहती हूँ और बाकी के दिन मैं कर्ब लेती हूँ, प्रोटीन वगैरह सब कुछ लेती हूँ। पर मुझे अभी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मेरे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ध्यान रख के लाइट डिनर करती हूँ। पर जितना भी लेती हूँ मैं प्रोटीन लेती हूँ और उसके साथ कुछ सैलड या कभी कभार वेजिटेबल्स। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि कल से आर्यन का समर वैकेशन स्टार्ट। तो आज मैंने सोचा कि कुछ पेंडिंग काम था एक्चुअली, जो कि करने का टाइम नहीं मिल रहा था या मुझे लगा था कि शांति से कभी बैठ के करेंगे, तो आज रात को मैं लेट नाइट तक काम करूँगी। और जब सारे लोग सो जाते हैं ना, तो उस टाइम में काम करने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं काम कर पाती हूँ, क्योंकि कल सुबह उठने का कोई भी जल्दी नहीं है। बस 7 बजे या 7:30 बजे उठो, उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह और फिर डेली रूटीन जो स्टार्ट होता है, तो वही। तो आज सारे पेंडिंग काम एटलीस्ट कुछ 50% या 60% काम तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और बहुत शांति से करूँगी। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।